गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं RRSR यानी राजपूत राउत रेडी आपको अपना चैनल RRSR स्टडी पॉइंट पे स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। फिलहाल में मैंने अपने चैनल का नाम RRSR कंप्यूटर क्लास से RRSR स्टडी पॉइंट कर दिया है। अब मेरे चैनल पे आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जिसको आप लोग देखें और उसको लाइक करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे मैथ का, मैंने एक टॉपिक लिया है और उसका नाम है बोर्ड मार्क्स। आज हम लोग बोर्ड मार्क्स के बारे में जानेंगे, बोर्ड मार्क्स क्या होता है, बोर्ड मार्क्स रूल कैसे अप्लाई होता है और इसे कोई भी सिंपलीफाई वगैरह क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म बी स्टैंड फॉर होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट ही बहुत सारी होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट, बहुत सारे ब्रैकेट होती हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स हम लोग जो भी बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट का फर्स्ट टाइम सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे उसको। नेक्स्ट होता है ऑफ ऑर्डर, ओ फॉर ऑफ या ऑर्डर, ऑर्डर जिसको हम लोग का भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट टाइम डिवीजन, भाग, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, इसी को हम लोग ध्यान रखते हुए और बोर्ड मास रूल को हम लोग अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 10+6-2 × 3। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके 10+6-2 × 3 = 6। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 10+6 = 16 - 6 = 10। इसमें मैंने सबसे पहले किसको फॉलो किया, मल्टीप्लाई को। सबसे पहले मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है और ना भी ऑर्डर वगैरह, स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ और दो ही इसमें ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सब मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद से क्या किया तो एडिशन किया। 10+6 = 16, यहाँ पे मैंने क्या किया 2 × 3 = 6 किया मैंने, ये क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, उसके बाद से इसको मैंने जोड़ दिया और आंसर इतना हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10-4 × 2+1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें डिवीजन नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई हम लोग 10-4 × 8+1 = अब इसमें हम लोग देखेंगे इसमें बड़ा क्या है, तो 1 है प्लस, हम लोग 10+1 = 11 - 8 = 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 / 5+2 - 3। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, तो डिवाइड करना है सबसे पहले, तो हम लोग सबसे पहले डिवाइड को फॉलो करेंगे। 25 = 5 तो हम लोग का हो जाएगा आंसर 5। 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 ही होगा, +2 - 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारे इतना, अब सबसे इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड के बाद से मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो यहाँ पे नहीं है। अब हम करेंगे एडिशन, 5+2 = 7, 7 - 3 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 14+(8 - 2 × 3). तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, सबसे पहले 14+(8 - 2 × 3 = 6) 14+8 - 6 = 2, यानी आंसर हमारा आएगा जो आएगा 16। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी है सिंप्लीफाई करना है बोर्ड मार्क्स रूल को अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 5, 10/2 + 6 + 6 × 2 - 2। तो सबसे पहले हम लोग किसको अप्लाई करेंगे, डिवाइड को, 10/2 = 5। ओके फ्रेंड्स, तो 5 होगा +6 + 6 × 2 - 2। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5+6 + 6 × 2 = -2, 5+6 + 2 = 11, 11 = 23, 23 - 2 = 21। एक बार और देखते हम लोग, 5+6 = 11, 11+12 = 23, -2 = 21। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलते हैं हम इसके आगे, बोर्ड मार्क्स पार्ट 2 के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और मेरे आप चाहते हैं मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना, RRSR स्टडी पॉइंट ग्रुप से जुड़ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और भी मेरे सोशल मीडिया जितने भी नेटवर्क जो भी है
उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।